नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जिन वेली भाइयों ने एक्सिस बैंक के बीसी पॉइंट के लिए आवेदन कर रखा था, तो दोस्तों उन वेली भाइयों के लिए एक्सिस बैंक की तरफ से सीएससी की तरफ से एक मेल आ गई है। कांग्रेसन मेल मेल में कौन कौन सी सर्विस एक्टिव की गई है और कौन और किस सर्विस पर कितना कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, जब आपका बीसी पॉइंट एक्टिव हो जाएगा एक्सिस बैंक का, तो इस तरह का मेल आ जाएगा। कौन कौन सी सर्विस एक्टिव की गई है जो एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट है, नीचे बताएंगे, और कौन सी सर्विस पर कितना आपको कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों, नीचे दिया है एक्सिस बैंक, जो लिंक दिया है एक्सिस बैंक का, जहां से आप अपना बीसी पॉइंट को लॉगिन करेंगे, इस तरह का लिंक मिल जाएगा आपको। और इसके नीचे आरडी सर्विस दी गई है, जो आपकी आरडी सर्विस है, मोरफो हो या मंत्रा, वो आरडी सर्विस दी गई है जो एक्सिस बैंक के बीसी पॉइंट पर वर्क करेगी। और नीचे दिया है बीसीए डिटेल्स, तो नीचे आपका एजेंट आईडी मिल जाएगा और नीचे ब्रांच का नेम मिल जाएगा, किस ब्रांच में आपका बीसी पॉइंट एक्टिव हुआ है उस ब्रांच का नाम आ जाएगा, और नीचे जो वीएलई है उनका नाम आ जाएगा, और नीचे स्टेट दिया है कौन से स्टेट में ये बीसी पॉइंट एक्टिव हुआ है, और नीचे डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, इस तरह से अपनी डिटेल चेक कर लेंगे। और नीचे दिया है सर्विस एक्टिव अंडर एक्सिस बैंक बीसी। तो दोस्तों, जो ये बीसी है इसके अंदर कौन कौन सी सर्विस अभी एक्टिव की गई है, लाइव की गई है, यहाँ दिया है लोन प्रोडक्ट। तो दोस्तों, टू व्हीलर लोन एक्टिव हो गया है, इस पर गोल्ड लोन, ट्रैक्टर लोन, ऑटो लोन, तो काफ़ी सारी सर्विस दी गई है, इस तरह से देख लेंगे। और नीचे देखते हैं कि कौन सी सर्विस पर कितना कमीशन मिलने वाला है वेली भाइयों को। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर दिया है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो दोस्तों, अगर आपका बीसी पॉइंट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है या आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उनका लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनका नाम आ जाएगा, उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, जैसे मेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, इसके नीचे दिया है FL बैंकिंग URL। URL पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी स्टेट की टीम होती है, हेड टीम होती है स्टेट की, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, उनसे भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं एक्सिस बैंक के बीसी पॉइंट के बारे में। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर दिया है एक्सिस बैंक और यहाँ पर दिया है कमीशन लिस्ट। ये कमीशन लिस्ट है दोस्तों, ये कमीशन लिस्ट APS की है, जो आप कैश विड्रॉल और डिपॉजिट करेंगे उसकी है। अगर आप 100 रुपये का कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 100 रुपये पर 11 रुपये मिलने वाले हैं। और इसी तरह से अगर आप APS करते हैं, APS कैश विड्रॉल, ONS, इस पर आपको 4 रुपये मिलने वाले हैं। इसी तरह से आप अपना APS का कमीशन देख लेंगे। और इसके नीचे आ जाएंगे, नीचे और भी काफ़ी सारे कमीशन दिए गए हैं। नीचे दिया है कमीशन टू व्हीलर लोन का जो कमीशन है, वो इस तरह से यहाँ से देख लेंगे। टू व्हीलर का अगर आप लोन कराते हैं तो आपको एक लोन पर 800 रुपये मिलने वाले हैं। इसी तरह से गोल्ड लोन कराते हैं तो गोल्ड लोन पर आपको इसका 8% मिलने वाला है, जितने भी आपका धनराशि होगी, जितने का भी आप लोन कराओगे तो उसका 8% वेली भाइयों को शेयर किया जाएगा कमीशन के तौर पर। इसी तरह से नीचे दिया है ट्रैक्टर लोन, ट्रैक्टर लोन कराएंगे तो 800 रुपये का कमीशन बताया गया है। इसी तरह से ऑटो लोन दिया गया है, ऑटो लोन पर भी आपको 800 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो कमीशन है एक्सिस बैंक में जो कमीशन मिलेगा आपको, इस तरह से चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे इस पर लोन प्रोडक्ट दिए गए हैं, अलग अलग ही कमीशन है, तो इस तरह से चेक कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपका बीसी पॉइंट एक्टिव होगा तो इस तरह से आपका मेल आ जाएगा। और इसको लॉगिन कैसे करेंगे, आरडी सर्विस कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।